गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सर्वे का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रावर्स सर्वे। अगर मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहां पे मैंने ट्रावर्स सर्वे का फर्स्ट पार्ट डील किया था, ठीक है। वहां पे आपको ये बताया था लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बेसिक बता दिया था। लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, डिपार्चर कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें मैंने बताई थी, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और जो पूछी भी जाती हैं। आज का टॉपिक वो है आपका, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज डील करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हालांकि आपके एग्ज़ाम में एक दो बार मतलब छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो हमने बात किया था आपका होल सर्कल बेयरिंग में डिफाइन कर सकते हैं, एक क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ते थे, एक्स डिस्टेंस इतना चलेंगे फिर वाई डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इस तरीके से सारे डिस्टेंस कवर करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। जैसे जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे आपको देखना, मैंने आज पहले से ही लिख दिया सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना था इस वजह से मैंने क्या किया, थोड़ा लिख दिया, बट मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जो कंसेक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम या डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नाम में लिखा हुआ डिपेंडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर होगा तो इसमें खास बात यह निकल के आती है कि ये पिछले वाले कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होगी। किस पे? पिछले वाले कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होगी। जैसे सपोज दैट इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस, ठीक है। अगर प्रीवियस के विद रिस्पेक्ट में अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो इसको हम लोग जो है बोल पाते हैं, दैट इज आपका डिपेंडेंट। तो प्रीवियस कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे सपोज दैट आपको बी पे डिफाइन करना है, तो ए की लोकेशन से आप उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। चल, तो दिस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट देन इट इज कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर प्रीवियस वाले कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में किसी को बता रहे हो, जैसे सपोज दैट, एग्जांपल लेके बताता हूँ, सपोज दैट जैसे आप मान लिया अपने गांव हाईवे से आपका गांव जो है 1 किलोमीटर पे है, ठीक। अच्छा, हाईवे मतलब आपका कहीं गांव से गुजरा हुआ है और वहां से आप या अपने घर की डिस्टेंस बताना चाहते हो, ठीक। तो अगर सपोज दैट कि जैसे आपका गांव में एक घर है, ठीक, तो उसकी लोकेशन अगर आपको बताना है, तो एक तो आप सिटी से बता सकते हो और एक जो आपके गांव के पड़ोस से हाईवे निकला हुआ है, दोनों से बता सकते हो। तो अगर आपका गांव जो है ना, मान लिया सिटी से आपने अपनी लोकेशन बताना चाहते हो कि इतने किलोमीटर पे है, तो मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है और इस ओरिजिन पॉइंट से आपके घर की डिस्टेंस आप बता रहे थे, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से आप घर की लोकेशन बता रहे थे, ये आपका घर है सपोज दैट बी पॉइंट पे, और ये आपका हाईवे है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप हाईवे से लोकेशन बताओगे तो आपका इसका मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, क्लियर। और ओरिजिन से मतलब सिटी से बताओगे तो ये लोकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो प्रीवियस वाला कोऑर्डिनेट हो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप कुछ बता रहे हो तो ये दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट। क्योंकि अगर पिछले वाले की लोकेशन नहीं पता होगी तो अगले की कैसे बता दोगे। जैसे आपका घर मान लिया बीच में कुछ डिस्टेंस ही ना हो और डायरेक्ट सिटी से बताना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, और आपको गांव घर के हाईवे से बताना तो आप आसानी से बता देते हो कि भाई मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि लैटिट्यूड और डिपार्चर होता क्या है। जैसे कोई लाइन अगर आपकी इंक्लाइंड होती, सपोज दैट ये लाइन इंक्लाइंड है और ये एंगल थीटा है, तो देखो ये वाले लैटिट्यूड होते हैं, ये डिपार्चर होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिपार्चर, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो वहीं पे मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ना इंक्लाइंड लाइन, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, दिस एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक आपका आएगा ये, इसका एक कोऑर्डिनेट इधर आएगा जो कि लैटिट्यूड कहलाएगा, और एक कोऑर्डिनेट इसका इधर जाएगा जो कंपोनेंट निकल के आएगा, तो वो कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा। तो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डिपार्चर, और दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, उसी को डिफाइन किया गया है। देखिए ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डिपार्चर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिपार्चर, और पॉइंट ए का ये क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा, ठीक। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दिस इज कॉल्ड आपका जो लैटिट्यूड होगा वो कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि लैटिट्यूड का जो डायरेक्शन है ना, देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कोई एंगल अगर थीटा वर्टिकल से बना रहा है तो इसका ये डिपार्चर हो जाएगा, ये लैटिट्यूड हो जाएगा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस लैटिट्यूड और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिपार्चर, ठीक। फिर आगे बढ़े,
बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे अगर मेरे को लोकेट करना है तो लोकेशन दिखाना है, अब आपके लिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि किसी के विद रिस्पेक्ट में आपको बताना है ना। तो विद रिस्पेक्ट अगर आपको कहीं पे बताना है तो यहाँ पे ए पॉइंट का मान ले कोऑर्डिनेट आपका 2, 3 है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो जब इसके रिस्पेक्ट में बताओगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जितना डिस्टेंस ऊपर कवर करोगे तो उसको जोड़ दोगे तो आपका एल ए बी भी पता चल जाएगा। सिमिलरली ए तक जितना डिस्टेंस कवर किए, ए से बी तक जितना डिस्टेंस कवर किए तो दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको ये डी ए बी भी पता चल जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी लोकेशन बताओगे तो ये जो पहला पॉइंट जो लिखा होता है ए, ये उसके विद रिस्पेक्ट का पॉइंट होता है, और जो अगला पॉइंट होता है जहाँ पे आपको जाना होता है। तो इस तरीके से इस सिस्टम को हम लोग बनाते हैं। देखिए इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये नाम आपको कम से कम ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिमिलरली देखो यहाँ पे आए, इधर साइड में जा रहे थे तो ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है पॉइंट सी, देखो ये आपका वेस्ट साइड में है, ठीक, और वेस्ट साइड में है और ऊपर नॉर्थ की साइड में, तो देखो जो एल बी सी है बी के रिस्पेक्ट में है और सी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बी पॉइंट जो आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन में है तो लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव लिखा गया, डिपार्चर निगेटिव बिकॉज इसका डायरेक्शन वेस्ट साइड में, तो ये ईस्ट हो गया। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता इस पे बहुत ज़्यादा आपका, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका मैं बता दूंगा, बड़ा सिंपल रहता है, कुछ करना नहीं होता। एल कॉस थीटा सारे लेटिट्यूड का जीरो कर दो, आल समेशन ऑफ आल लेटिट्यूड विल भी जीरो, समेशन ऑफ आल डिपार्चर विल भी जीरो फॉर क्लोज ट्रावर्स, ठीक है। ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मेंस एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। प्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो थ्योरी पिछले लेक्चर में लिखाई वो इंपॉर्टेंट है, आज जो पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अजर्व इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसमें हमको ज़्यादा फायदा रहता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है, इसमें थोड़ा सा दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी की वजह टफ हो जाता है, बट ये सिस्टम जो होता है बड़ा आसान होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से सारा सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे देखो ओरिजिन पॉइंट आपका ये है, इसका मतलब है इस पॉइंट से लेकर के आपको ये डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, यहाँ से आपका एल ए हो जाएगा, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एल ए, इसको मैं दूसरे मार्कर से लोकेट करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज कॉल्ड एल ए और दिस इज कॉल्ड डी ए, ठीक। इस पॉइंट पे आ जाओ, दिस इज कॉल्ड एल बी, दिस इज कॉल्ड डी बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो भी पॉइंट की लोकेशन बता रहे हो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं था, हालांकि ये ओरिजिन पॉइंट है लेकिन हम जो भी लोकेट कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं, जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम चल रहा है। और यहाँ पे क्या सीधे ओरिजिन से हमको मतलब है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम नहीं पढ़ते हो कि जैसे आपको कोई पॉइंट 2, 3 लोकेट करना है तो एक्स एक्सिस पे 2 जाते थे, वाई एक्सिस पे 3 जाते थे, सिमिलरली वो भी ऐसा ही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस एल ए हो जाएगा, ये डिपार्चर हो जाएगा, तो एल ए कामा डी ए, ऐसे एल बी कामा डी बी बी पॉइंट की लोकेशन पॉजिटिव लिखा गया, फिर ऐसे एल सी कामा डी सी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इसका मतलब है कि आपका ये 0, 0 है, इसके मान लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे कोऑर्डिनेट को डिनोट किया गया। अब बात करते हैं, इट इज़ कोऑर्डिनेट एट एवरी पॉइंट ऑफ ट्रावर्स, एवरी पॉइंट ऑफ ट्रावर्स इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन ओरिजिन, कोई एक कॉमन ओरिजिन होगा, हो सकता है ये ओरिजिन हो, कहीं और भी ओरिजिन हो सकता था, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल लैटिट्यूड आर टोटल डिपार्चर, इसको टोटल लैटिट्यूड भी बोला जाता है या टोटल इसको डिपार्चर भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ टोटल लैटिट्यूड की, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा एल ए, एल ए पॉजिटिव है प्लस एल ए बी करेंगे, ठीक है, तो एल ए बी आपका आ जाएगा और माइनस हम लोग कर देंगे यहाँ पे बी सी को, क्योंकि इस पॉइंट से इधर की लोकेशन हम वेस्ट साइड में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे, टोटल लैटिट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारा पॉइंट आपका निकल, लैटिट्यूड सारे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि यहाँ पे एल बी सी जो है ना सारे कोऑर्डिनेट नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, तो सारे कोऑर्डिनेट जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए सारे पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखिएगा डिपार्चर जो है ना इसका डिपार्चर निगेटिव आएगा जब वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो इस वजह से ना ये वाला जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो दिस इज द माइनस, दिस इज द माइनस, इस माइनस के पीछे रीजन है, माइनस के पीछे रीजन ये है कि इसका जो डायरेक्शन इस साइड में है दिस इज वेस्ट डायरेक्शन है और ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ है, क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले पॉजिटिव, वेस्ट वाले निगेटिव, ईस्ट वाले पॉजिटिव, वेस्ट वाले निगेटिव, नॉर्थ वाले पॉजिटिव, साउथ वाले निगेटिव।
तो ये कहानी हो गई, ठीक है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, कुछ भी ऐसा छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इसको हम जल्दी से कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में सीधे हम लोग पढ़ लेंगे लेवलिंग में चैप्टर को पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से बना जरूर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी ऐसा नहीं है कि इसके नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट को डील कर सकूँ। अब आने वाली जो बातें हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी SSC JEE मेंस का रिजल्ट आया है 11 तारीख को, ठीक है। तो मैं तो लेक्चर बाद में बना रहा हूँ, मतलब आपको ये लेक्चर बाद में ही मिलेगा, क्योंकि और सारे लेक्चर मैं बना चुका हूँ, ठीक है। मतलब कंपास सर्वे पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है, और ये लेक्चर मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये आपको लेक्चर तो मुझे लग रहा है ये 22-23 तारीख में मिल पाएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट मेंस में सेलेक्ट हुए हैं, अभी DV नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन DV के लिए ये स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट अपने द इंजीनियर्स कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अभी जानकारी में, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मेंस के बैच में कम से 60-70 स्टूडेंट थे अपने पास, ठीक है, 70-80 स्टूडेंट लगभग थे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स ने परफॉर्म भी किया था मेंस के पेपर्स में, ठीक है। तो अब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मेंस के में आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है, बस आप किसी भी तरीके से प्री निकाल लो, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको प्रीलिम्स से फोकस करना चाहिए। मेंस की गारंटी मेरी, आपको मेंस इतना अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकायदा टेस्ट सीरीज होती है, फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, कम से कम मैंने 8 पेपर करवाए थे फुल लेंथ के SSC JEE मेंस में, ठीक है, और 8 में से कम से कम 290 नंबर का पेपर सीधा फंसा था, एकदम सीधे क्वेश्चन आ गए थे RCC के, इरीगेशन के, बिल्डिंग मटेरियल के, ठीक है। तो सीधे पेपर जब आता है ना तो बड़ा फ़ायदा मिलता है। हाईवे के क्वेश्चन सेम आ गए एकदम से, जो पूछा टेस्ट सीरीज में था वही क्वेश्चन। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है भाई, जो चीज़ आप टेस्ट पेपर में देते हो, टेस्ट सीरीज में देते हो, लिखते हो, खुद से लिखते हो, जो गलतियाँ होती हैं उनको इम्प्रूवमेंट करते हो, तो जब आपका पेपर जब होता है ना तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे एकदम से सारे सब्जेक्ट को, कम से कम एक एक सब्जेक्ट को 33 घंटे मेंस में दिया जाता है, 40-40 घंटे पढ़ाया जाता है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो उसके पहले हम लोग थ्योरी पहले पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि मेंस में अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं भी किया होगा तो उस बच्चे को पहले क्या है ना कि हम लोग क्लास में क्या करते हैं कि साथ में पहले उसका बेस बना देते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा के। सपोज दैट आपको सॉइल पढ़ा रहे हैं तो सॉइल की थोड़ा बहुत थ्योरी बेसिक क्लियर कर देंगे, ताकि आपको मेंस के, जब मेंस का क्लास चल रहा होगा तो उसी समय ही आपको शुरुआत में पहले बेसिक थ्योरी क्लियर कर दी जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने सपोज भूल भी गए होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्लास नहीं की तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है और काफ़ी टाइम दिया जाता है, मतलब मेंस में कम से कम 350-350 घंटे की क्लास चलती है, 250-300 घघंटे की, और टेस्ट सीरीज भी होती है, 8-10 फुल लेंथ के टेस्ट पेपर भी होते हैं। तो इतना अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करा दी जाती है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज दे दी ईमानदारी से और ईमानदारी से तैयारी की तो सिलेक्शन तो होना ही है, ठीक है। तो निश्चित डन है, सफलता तो मिलनी है, ठीक है, बस ईमानदारी होनी चाहिए अपनी पढ़ाई में, बस और कुछ नहीं जानता हूँ। ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। आगे लिखते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट, टोटल नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, जो अभी दूसरा उधर से राइट साइड में मैं लिख रहा था, ये जो कहानी लिखी ना इसके जस्ट अगला पॉइंट है, टोटल लैटिट्यूड या टोटल डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट इक्वल्स टू
लैटिट्यूड और डिपार्चर आप स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डिपार्चर ठीक है डिपार्चर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड्स departure latitudes and departures of the lines up to that point ठीक है चल नेक्स्ट है एरर इन दिस सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है एरर इस वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं एरर इन दिस सिस्टम इज लोकलाइज्ड हो जाती है ठीक है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लोकलाइज्ड बट इन डिपेंडेंट केस इट गेट्स मैक्सिमाइज्ड वहाँ पे जो होता है ना ये मैक्सिमाइज हो जाती है ठीक है मतलब जब आपका डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो वहाँ पे एरर क्यूमुलेट है अगर मान लिया आपने कहीं पे लैटिट्यूड या डिपार्चर में कोई गलती आ गई तो वो ऐड होती चली जाती है इस वजह से कह रहे हैं ठीक है एक नोट पॉइंट करके मेंशन करो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं कंसंट्रेट करके पढ़ना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एरर इज लोकलाइज्ड अच्छा ये लिख चुके हैं कोई दिक्कत नहीं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं वही पॉइंट है एरर इन दिस सिस्टम इज लोकलाइज्ड बट इन डिपेंडेंट केस इज मैक्सिमाइज सॉरी इसको लिखने की जरूरत नहीं है वही पॉइंट है सिमिलरली तो वही पॉइंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक इसी को नोट करके लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग बना दो चेक इन क्लोज ट्रावर्स कुछ चेक्स होते हैं जिनको लगाना जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको SSC JEE में सीधे क्वेश्चन मिल जाएगा चेक्स इन क्लोज ट्रावर्स ठीक अगर कोई आपका क्लोज ट्रावर्स है जैसे आपका लूप ट्रावर्स है सपोज दैट लूप ट्रावर्स की बात करें ठीक है तो इसका जो फार्मूला आता है दैट इज सिग्मा ऑल लेटिट्यूड विल बी ज़ीरो सिग्मा डिपार्चर विल बी ज़ीरो ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना सारी चीज़ों को है दैट इज़ यहाँ पे समेशन इनका रहना चाहिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना तो जितना भी जैसे क्लोज ध्यान रखिएगा इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी ट्रावर्स बने क्लोज बने इस तरीके से ठीक तो क्लोज आपका ट्रावर्स यहाँ पे बनना चाहिए तो इसमें लूप जब बनना है दिस इज लूप तो इस लूप में आपको ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड ऑफ दिस ऑल और डिपार्चर का जो समीशन होना चाहिए इसके कंपोनेंट निकालोगे L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा या लैटिट्यूड्स हो जाएंगे डिपार्चर दैट इज L1 ठीक है L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2 इनका सबका समीशन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ध्यान रखिएगा क्लोज के लिए है ओपन के लिए नहीं है नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज ये बहुत ज़्यादा है लिंक ट्रावर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो सिग्मा एल निकल के आएगा लिंक वाले में सिग्मा एल इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ लास्ट पॉइंट यस इसका
एक फार्मूला आता है लैटिट्यूड ऑफ लास्ट पॉइंट, लैटिट्यूड ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये आप लगाओगे किसमें, जब आपका लिंक वाला ट्रावर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा डी, दैट इज नेक्स्ट पार्ट है डिपार्चर ऑफ लास्ट पॉइंट। देखिए डिपार्चर ऑफ लास्ट पॉइंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट का पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, माइनस डिपार्चर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, डिपार्चर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो इस तरीके से सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर है। चलो तो इस तरीके से सारी बातें हम लोग करते हैं। तो जैसे लिंक जैसे बनता है, जैसे सपोज दैट कि आपने कोई ट्रावर्स ऐसे कर रहा है जैसे ओपन है, तो यहाँ से आपने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, फिर ये पॉइंट ऐसे गया, ठीक है, फिर उसके बाद एक इस तरीके से पॉइंट्स गए, तो इस तरीके से, तो इनको अगर हम ज्वाइन करें, ये लिंक वाला कहलाता है, दैट इज कॉल्ड लिंक, दिस इज कॉल्ड लिंक, और इसको इससे ज्वाइन कर दें तो इसको बोलते हैं लिंक। तो ये पॉइंट आपका दिस, इसमें लिंक लगी हुई है बट ये ओपन ही रहता है, ठीक है, कैसा रहता है, ये लिंक ही जैसा बनता है, तो इसको लिंक बोला जाता है, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लैटिट्यूड ऑफ द लास्ट पॉइंट, जो भी लैटिट्यूड इसका लास्ट वाले पॉइंट का जो भी लैटिट्यूड निकल का है और फर्स्ट का निकल का है, उन दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, दैट इज एल ए डी ए, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका सपोज दैट ये आपका एल ई है कॉमा डी ई है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि आपको जो भी लेना है, समेशन करना है, जो भी चेक लगाना है, सपोज दैट डिपार्चर लगा रहे हो, तो डी ई माइनस एल, सॉरी डी माइनस डी ए माइनस डी ए, ये आपका वैल्यू हो जाएगा डिफरेंस, ठीक। और ये जो वैल्यू हो जाएगी इसमें लैटिट्यूड, दैट इज एल, आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट दिया है एल ए माइनस एल ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है इसके कंपेरिजन, तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते, ठीक है। चल अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ये वाली जो कंडीशंस है, मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको एक बार आइडिया भी दिला देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चंस को भी, ठीक है, वन मिनट, जस्ट चेक अ क्वेश्चन, लैटिट्यूड डिपार्चर चैप्टर है ना, मतलब वो सॉरी ट्रावर्सिंग है, पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछ भी रखा है, ऐसा नहीं है, क्लोजिंग इरर अपने टॉपिक अगला होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट का था, मुझसे एक बार पूछा कि सर अगर लैटिट्यूड का मतलब जैसे मान लिया आप कोऑर्डिनेट अभी करते हो, तो उसके हिसाब से आपका डायरेक्शन क्या निकल के आएगा, उसको मैं बताता हूँ। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन भी करवा ही दूंगा मैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हमको क्या है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन डाउट आता है स्टूडेंट को कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए
इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो भी आपका डायरेक्शन पूछ लेता है कि जैसे समेशन ऑफ ऑल लैटिट्यूड जो है ना, और समेशन ऑफ जैसे कि समेशन ऑफ डिपार्चर्स है, इनका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आपका लैटिट्यूड ज़्यादा होगा वही उसका फाइनल डायरेक्शन होगा। जैसे अगर नॉर्दर्न डायरेक्शन के लैटिट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्दर्न, तो आपका जो डायरेक्शन निकल के आएगा लैटिट्यूड का वो कहाँ पे निकल के आएगा, नॉर्दर्न। दूसरी बात, सपोज दैट कि ईस्टिंग डायरेक्शन के डिपार्चर्स का जो समीशन है वो ज़्यादा हो जाए वेस्टर्न की अपेक्षा, तो इसमें भी आपका जो मैग्नीट्यूड टोटल निकल के आएगा, वो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका ईस्टिंग डायरेक्शन ही रहेगा। तो जिधर साइड में डायरेक्शन ज़्यादा हो, मतलब जिधर साइड में आपका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो उसी डायरेक्शन में ही आपको उसका फाइनल डायरेक्शन मानना है। ऐसे एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन SSC JEE में पूछे गए, ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्लियर। देखो ये कंडीशन तो वैसे ही कुछ हो गया ना, σ Fx = 0, σ Fy = 0, कुछ ऐसे ही समझ लो, ऐसी कंडीशंस लगा, सिग्मा मोमेंट मतलब जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है, तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग एरर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्लोजिंग एरर। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डील कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है क्लोजिंग एरर, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, दैट इज क्लोजिंग एरर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर, एरर ऑफ क्लोजर, एरर ऑफ क्लोजर, ठीक है। चलो इस बात की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। चल नाम में लिखा है कि कोई ट्रावर्स है, वो ट्रावर्स आपका सपोज स्टार्ट किया कहीं से, कहीं पे तो एंडिंग होगी। अगर क्लोज ट्रावर्स है, अगर वो बंद नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक क्लोजिंग एरर है। ये एरर पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में कम पूछा जाता है। जो भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। पहली बात तो इसकी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इफ़ अ ट्रावर्स हैज़ एरर ऑफ क्लोजर, इफ अ ट्रावर्स, इफ अ ट्रावर्स हैज़ एरर ऑफ, has error of closure, it will not close, ये बहुत ज़्यादा important है, it will not close when plotted on the paper, कहाँ पे प्लॉट किया जा रहा है, पेपर पे, ऑन द पेपर, प्लॉटेड ऑन द पेपर, और दिस एरर अकर्स ऑन पेपर, ब्रैकेट में लिख लो, दिस एरर अकर्स ऑन पेपर, फील्ड पे थोड़ी पता चल पाएगा, क्योंकि जैसे आपने रीडिंग लिया तो आपको थोड़ी कंफर्म हो पाएगा। जब तक आपके पास डिस्टेंस नहीं होगा, जब तक आपके पास में एंगल नहीं होगा, तब तक आप उसको जोड़ नहीं पाओगे। तो आपने फील्ड पे सर्वे कर लिया, उसके बाद में आकर के आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हर स्टेशन की आपके पास रीडिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, तब आप पेपर पे ड्रा करोगे, तब पता कर पाओगे कि आपकी ये एरर निकल के आ रही है। केस वन ले लेते हैं, पहला केस वन है। केस वन में ये क्या कह रहा है कि पहला केस आपका क्लोज लूप है, ठीक है, या लूप ट्रावर्स है, दैट इज लूप ट्रावर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लूप ट्रावर्स की बात हो रही है, ठीक। तो सपोज दैट आपका कोई ट्रावर्स है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस, ए की तरफ ए से गया बी की तरफ, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे बी से सी की तरफ आप गए हैं, सपोज दैट दिस इज सी,
ठीक है, सी के बाद में आपने सपोज दैट यहाँ पे डी स्टेशन है, दिस इज डी, दिस इज सी, ठीक है। चल उसके बाद में डी से सपोज दैट कोई पॉइंट आपका नेक्स्ट है, और सपोज दैट आपका ट्रू वैल्यू आपकी ये पे यहाँ पे है, दिस इज ट्रू वैल्यू, यहाँ पे स्टेशन जो इसकी सारी ट्रू वैल्यू हैं, जो भी इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग होगी या सारी चीज़ें, और आपने जो है ना मेजर्ड कहाँ पे किया, जो स्टेशन था वो यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, इस पॉइंट पे कहीं पे मान लो ये, इसको बोल देते हैं ए डैश, ठीक है। आपका इधर देखिए स्टेशन जो मिलना चाहिए था और आपने क्या किया, एक्चुअल में तो स्टेशन ये था और मेजर्ड करके आप देख रहे हो कि डी जो है ना यहाँ क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोज कहीं यहाँ पे हो रहा है, मतलब आपका जो है कहीं ना कहीं गलती कर गए आप सर्वे करने में। तो इसे कहते हैं दिस इज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। अच्छा यहाँ से अगर आपको इस पॉइंट तक पहुँचना है तो इस तरीके से, यहाँ से अगर आपको इस पॉइंट की तरफ पहुँचना है तो आपको, जैसे आपको पहुँचना है ए डैश से ए तक, तो आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। करेक्शन क्या होता है, करेक्शन में होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, और जो इरर होता है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इरर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा इरर, और जो करेक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर करेक्शन, इरर और करेक्शन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग हैं, आपने मेजर्ड वैल्यू जो है इस पॉइंट पे किया ए डैश पे, अब देखो यहाँ पे मेरे को निकालना है इरर, तो अगर मेरे को इरर लिखना पड़ जाए तो इरर क्या लिख सकते हैं, इरर दैट इज ए डैश, ये मेजर्ड वैल्यू है माइनस है, अगर मेरे को करेक्शन लिखना पड़ जाए तो ट्रू वैल्यू क्या है ए है, और मेजर्ड वैल्यू क्या है ए डैश है, ठीक है। चलो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और जो ए डैश लाइन है, जो ये लाइन आपकी इंक्लाइंड दिखाई दिख दे रही है ये वाली लाइन, ये आपकी क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड ए डैश लाइन इरर, दैट इज ए डैश लाइन इज, यही आपकी इरर है, ठीक है, इसी को क्लोजिंग इरर भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग इरर यहाँ पे जो निकल के आएगी, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग, बंद करने के लिए कितना आपको और चाहिए, क्लोजिंग इरर दैट इज ए ए डैश, ये पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको तो डिफिनीशन के फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ए डैश दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो यहाँ पे ए डैश है इसमें क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ए, या इसको बोल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज कोऑर्डिनेट ए डैश विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना इसके रिस्पेक्ट क्या है, ए है, तो इसे बोलते हैं क्लोजिंग एरर, ठीक है। जो आपका ट्रावर्स को क्लोज करने के लिए जो बच गया, और ये पेपर पे ही पता चलेगा, और ये ऐसा नहीं कि आप फील्ड पे पता कर पाओगे, जब ड्रा करोगे सारी रीडिंग्स को तब हम लोग इसके बारे में पता कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए इसके दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसी चीज़ को उठा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज दैट ये जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसका एंगल भी देख लेते हैं और सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को थोड़ा हटा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, इसको डैट डैश ऐसे मिलाते हैं, ठीक। चल तो आप ये देखो इसका एंगल कितना वर्टिकल से, मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो इसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये दिस इज एंगल इज गिवन दैट थीटा, और ये है आपकी क्लोजिंग इरर, जिसको हम लोग जो है ई मानना है, क्या मानना है, ई मानना है, ठीक। ये वैल्यू है आपकी दिस, ठीक, और वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है, लैटिट्यूड से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। तो समझ लो ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये एंगल आपका थीटा है, या ऐसा समझ लो ये एंगल थीटा है, तो दिस इज, इसको आगे बढ़ाओ, दिस एंगल इज, इसको हटाओ, दिस एंगल इज थीटा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो ये इधर है, ये थीटा है, ये लैटिट्यूड है वाई, लैटिट्यूड, यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, लैटिट्यूड वाई, दिस इज डिपार्चर इज एक्स, डिपार्चर इज एक्स, ठीक है, दिस इज डिपार्चर एज एक्स। अब आपसे कहा जाए इसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो इधर डायरेक्शन में ई एक्स आएगा, और ये है ई एक्स, और ये आ जाएगा आपका ई वाई, ठीक, दो कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा।
तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज डिपार्चर एक्स, दिस इज लेटिट्यूड वाई। अगर मैं बात करूँ जो इधर आएगी एक्स डायरेक्शन में टोटल, दैट इज सिग्मा डी के बराबर होगी, क्योंकि इधर डायरेक्शन में डिपार्चर है। और जो आपकी ई वाई आएगी, दिस इज आ जाएगा सिग्मा लेटिट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से जितना आपका इस डायरेक्शन में आल समेशन, जो इरर आपकी बराबर किसके बराबर होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, सिग्मा डी कर दो, सारे डिपार्चर्स को जोड़ दो, सारे लेटिट्यूड को जोड़ दो। कैसे पता करते हो, एल कॉस थीटा साइन थीटा जो समेशन करना, एल वन कॉस थीटा वन प्लस एल टू कॉस थीटा टू प्लस एल थ्री कॉस थीटा थ्री, ये सब आपके लेटिट्यूड्स, डिपार्चर में साइन थीटा आ जाएगा, लेंथ वही रहनी है, सबका समेशन कर लो। अगर उनका समेशन जो बचता है अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब कोई इरर नहीं है, अगर वो जीरो नहीं आता कोई ना कोई वैल्यू पॉइंट में आ जाती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, इरर है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो डायरेक्शन हो गया आपका, दिस इज लैटिट्यूड ई वाई, और ये जो वैल्यू हो गई, दिस इज कॉल्ड ई एक्स, दिस इज कॉल्ड डिपार्चर, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो ये बात क्लियर है ना आपको, अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब आपको ये बताओ कि मेरे पास सारी वैल्यू मिल गई, अगर मेरे को रिजल्टेंट ई चाहिए, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं एक दूसरे से 90 पे हैं। देखो ई एक्स और जो ई वाई हैं आपस में कितने पे हैं, 90 पे हैं। देखो ई एक्स इधर हो जाएगा, ये मान लो ई एक्स है और ये आपको मान लो ई वाई है, यहीं पे जूम करके लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया हूँ मैंने, करेक्शन वगैरह हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ई एक्स ये हो जाएगा, ई वाई ये हो जाएगा, उसी को मैंने वहाँ पे बना दिया। ठीक है, चल अब आपसे कहा जाए रिजल्टेंट निकालना, तो ये पाइथागोरस लगा दो, क्या आ जाएगा, दैट इज ई इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ये पूछेगा आपको एग्जाम में, दैट इज ई वाई स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर डायरेक्शन की अगर बात करें, थीटा डायरेक्शन, दैट इज थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, टैन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपन हॉरिजॉन्टल होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास में है टैन थीटा, दैट इज टैन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है बता सकते हो, दैट इज ई एक्स है और अपान में आएगा ई वाई, दैट इज ई एक्स अपान ई वाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टैन थीटा इसका डायरेक्शन भी बता सकते हो। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई एक्स जो इरर है आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, इरर पॉजिटिव भी आ सकते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ये फार्मूला लिखना सही नहीं है। आपका जो फार्मूला रियल आएगा वो ये आएगा, मॉड में लिखना पड़ेगा ई एक्स अपान ई वाई। हो सकता है कि आपका ई एक्स पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है ई वाई भी पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है ई एक्स आपका पॉजिटिव आ जाए ई वाई निगेटिव आ जाए, हो सकता है ई एक्स निगेटिव आ जाए ई वाई आपका निगेटिव आ जाए, सॉरी पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है दोनों निगेटिव आ जाए, तो इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू जा रही है, हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही हो सकता है सेकेंड में, अगर निगेटिव आता है तो हो सकता है कि आपका सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकती है, मान लो एंगल आपका 180 से ज़्यादा है तो ऐसी कहानी बन सकती है। ठीक है, तो ये पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग यहाँ पे, तो थीटा जो निकल के आएगा, दिस इज टैन इनवर्स मॉड ई एक्स अपान ई वाई, आगे बढ़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन SSC JEE में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज द क्लोजिंग एरर। ठीक है, चल आगे बढ़े। फिर अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बस आपको कंटिन्यूस मेहनत करना अच्छे से बस। ठीक है, क्योंकि SSC JEE में वैकेंसी इस बार जो है ना, जो अभी पेपर हुआ जिसका रिजल्ट है उसमें 1800 वैकेंसी थी। ठीक है, 1500 लगभग सिविल की थी, पहले 1200 थी, बाद में 300 और बढ़ा दिया, तो 1500 वैकेंसी माने रखता है SSC JEE में। ठीक है, इस बार भी वैकेंसी अच्छी है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना आपको है। ठीक है,
और एग्ज़ाम टाइम पे होगा, मेंस भी टाइम पे होगा इस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम अब डिले नहीं होंगे, जो सोच लो अगर आपका अक्टूबर में प्री हो रहा है तो मान के चलो जनवरी फरवरी तक आपका मेंस 3 महीने 4 महीने का टाइम मिलेगा और आपको मेंस की डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो एकदम से मेहनत करके लगे रहना है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि आपका मई जून तक जॉब भी क्लियर हो जाए इसकी, तो एकदम से लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते जाओ। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ और बातें कर लेते हैं। यहीं पे लिख देता हूँ इसका साइन कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, दैट इज इसका साइन कन्वेंशन के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे इसका साइन कन्वेंशन हम लोग चूज करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में आपका दैट इज ई वाई, दैट इज ई एक्स, ठीक है। चलो ये तो आपका ईस्ट, ये तो आपका नॉर्थ, ये तो साउथ, तो दिस इज द वेस्ट, ठीक, ये क्लियर है। चलो अच्छा, अब आगे बात करते हैं, दैट इज़ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे जो ई एक्स होगा प्लस ई एक्स होगा कॉमा, या प्लस ई वाई, दोनों आप लिख सकते हो। यहाँ आ जाओ प्लस ई एक्स होगा लेकिन ई वाई आपका निगेटिव हो जाएगा तो माइनस ई वाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दैट इज़ आप एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव रहेगा तो माइनस निगेटिव आएगा, माइनस ई एक्स, लेकिन आपका ई वाई पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपका नॉर्दर्न है डायरेक्शन में। यहाँ पे दोनों निगेटिव, ई एक्स और ई वाई, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हो वैसे आप यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज क्या लिख सकते हो, अलजेब्रिक साइन ऑफ, दैट इज यहाँ पे पॉइंट लिख दो, अलजेब्रिक साइन ऑफ, अलजेब्रिक साइन ऑफ ई एक्स एंड ई वाई, ई एक्स एंड ई वाई विल डिसाइड क्वाड्रेंटल सिस्टम, क्वाड्रेंटल, ठीक है, विल डिसाइड क्वाड्रेंट, जो आपका ई एक्स एंड ई वाई है वो अलजेब्रिक साइन उसका दिखाएगा क्या। अलजेब्रिक साइन का मतलब ये है कि उसके आगे पॉजिटिव और निगेटिव जो भी लगा है, विल डिसाइड हमको ये बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में आपका एरर है, ठीक है। विल डिसाइड क्वाड्रेंट ऑफ क्लोजिंग एरर मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में आपका जो ट्रावर्स पहुंच रहा है, एंडिंग पॉइंट हो रही है, थर्ड में पहुंच रहा है, फर्स्ट में पहुंच रहा है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्शन विल बी सेम एज क्लोजिंग एरर बट डायरेक्शन वुड बी अपोजिट। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्शन तो सेम रहने वाला। मान लें दो आया तो वो सही है, एक में पॉजिटिव आया तो दूसरा निगेटिव आया, इसका मंतर मतलब ये हो जाता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। हो सकता है कोई नॉर्थ में होगा तो वो साउथ में हो जाएगा, हो सकता है ईस्टिंग है तो वेस्टिंग हो सकता है, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये तो आपकी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक ट्रावर्स के लिए कैसे हम लोग इसको एरर को लिखते हैं, क्लोजिंग एरर को। ये टॉपिक आपके एग्जाम में है
और इसके अगला जो टॉपिक है रिलेटिव एरर का, वो भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हर एक डेफिनेशन को मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, कर लिया ना, चलो नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लिख लो आराम से, तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज लिंक ट्रावर्स, दूसरा है। इसमें कैसे क्लोजिंग रन निकालते हैं, लिंक ट्रावर्स, लिंक ट्रावर्स, या इसको लिंक बोलते हैं सिंपली, लिंक ट्रावर्स, ठीक है। चल तो यहां पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं लिंक ट्रावर्स के बारे में, क्लियर है। चल तो यहां पे सपोज दैट आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से इसका लिंक आपका मान लिया बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका लिंक बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, और सपोज दैट ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका, सपोज दैट इसको बोल रहे हैं दैट इज ई डैश, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ, दैट इज वाई डैश कॉमा एक्स डैश, इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। या आपने इसको मेजर्ड किया, क्या किया, मेजर्ड किया, ये मेजर्ड वैल्यू आपकी है, बट ट्रू वैल्यू कहीं पे अलग है, मतलब इससे थोड़ा सा इधर उधर है, हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज हो मेजर्ड वैल्यू, हो सकता है पॉइंट कहीं यहाँ पे हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्लस ई, दैट इज इसकी जो वैल्यूज हैं ये वाई कॉमा एक्स मान लेते हैं, ठीक। चल ये ट्रू वैल्यू है जो कि नॉन पॉइंट है, दिस इज ट्रू वैल्यू, वैल्यू नोन पॉइंट, नोन पॉइंट, ट्रू वैल्यू नोन पॉइंट, ठीक। अगर आपको करेक्शन लगाना है तो इस पॉइंट से इधर की तरफ जाओगे, अगर आपको एरर देखना है तो इस पॉइंट से इधर, ठीक है। चल तो आगे बात कर लेते हैं, दैट इज एरर एंड करेक्शन। तो करेक्शन अगर निकालना है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड होता है, और अगर आपको एरर निकालना है तो मेजर्ड माइनस ट्रू। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना कि आपको एरर निकालना है, क्या निकालना है, एरर। तो एरर का फार्मूला हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। देखिए मेजर्ड आपके पास है क्या है, दैट इज अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखना चाहते हो, अगर आपको ई एक्स चाहिए तो मेजर्ड वैल्यू एक्स डैश है माइनस ट्रू वैल्यू एक्स है, अगर आपको ई वाई चाहिए तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकल के आएंगे वाई डैश माइनस क्या चाहिए वाई। डायग्राम में भी देख सकते हो ये वैल्यू मेजर्ड्स हैं, ये आपकी ट्रू वैल्यूज हैं। तो अगर आपको y में देखना है तो मेजर्ड y डैश माइनस y, x डैश माइनस x, सिंपल कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल पाते हैं। और बाकी e अगर आपको निकालना है तो रिजल्टेंट फिर से वही आएगा, दैट इज ई एक्स स्क्वायर और प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। तो जो ई एक्स निकला ई वाई निकला, इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो ये लिंक ट्रावर्स होता है, इसको बोलते हैं, ये क्लोज ट्रावर्स या लूप ट्रावर्स नहीं होता है। जब तक ये क्लोज ना हो जाए तब तक इसको लूप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। लूप का मतलब आना चाहिए, इसमें तो ओपन जा रहा है तो ओपन ट्रावर्स आपका ये हो जाता है। थीटा अगर आपको पता करना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप यहाँ पे एंगल जो भी इसका आपने माना होगा, सपोज दैट वर्टिकल से थीटा मानते हैं, कहाँ से लेते हैं, वर्टिकल से लेते हैं, तो टैन थीटा भी आप लिख सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ टैन थीटा, क्या लिखोगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज एक्स डैश माइनस दिस, तो दैट इज मॉड ऑफ ई एक्स अपॉन ई वाई, ठीक। और बाकी ई एक्स और ई वाई आपके पास सारी वैल्यू हैं, और डायरेक्शन वुड बी सेम, ये डायरेक्शन आपकी वही निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज टैन इनवर्स ई एक्स अपान ई वाई, दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे कर लिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से एरर्स निकलती हैं, ठीक है, क्लियर है ना सारी चीज़ें। तो
कोई क्वेश्चन आएगा तो कर तो ले ही जाओगे अब आराम से। चलो आगे बढ़ें, फिर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट हेडिंग बता दो, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस पे देखिए, जो क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत कम चांस होता है, थ्योरेटिकल ही बनता है। अगर पूछ भी लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ दे देगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लें इसका कोऑर्डिनेट आपको खुद दे दिया, इसका दे दिया, डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। इसका डिफरेंस निकाल के ये वैल्यू पता कर लो, ex ey tan थीटा लगा दो। न्यूमेरिकल फॉर्म में इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ थीटा है और थीटा के टैन इनवर्स में निकालना कठिन पड़ेगा, तो इसलिए इसका न्यूमेरिकल कम है चांसेस। इसका जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो आपको बनेगा किसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा कि ये क्लोजिंग इधर क्या होती है, ये सारी बातें वो पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपना डीलिंग का है, दैट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज इक्वल टू, इज equal to, is equal to, that is E upon P, error upon perimeter, जो भी हो जाए इसका। और इसको और भी लिखा जा सकता है 1 upon P upon this। ठीक है, चल इसके बारे में डील करते हैं। P is the where, relative का मतलब देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ relative density भी निकालते हो ना तो किसी के respect में निकालते हो, वैसे relative error भी है। मतलब ये इधर विद रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर है, जो ट्रावर्स का पेरीमीटर होता है ना उसके रिस्पेक्ट में अगर आप निकालते हो तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव इरर। तो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेगा, चार ऑप्शन बना देगा इरर, और पूछा भी है SSCJEE में कि जो भी इरर है वो किस पे रिस्पेक्ट में, आपको दे देगा किसी एक पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखने वाली बात है पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, चल तो वेयर, वेयर P इज द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स E क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एक्यूरेसी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एक्यूरेसी, रिलेटिव एक्यूरेसी, ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एक्यूरेसी। ठीक है, रिलेटिव का मतलब किसी के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, पेरीमीटर के सापेक्ष में, किसकी, ट्रावर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लोजिंग लाइन इज इक्वल टू क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग लाइन इज इक्वल टू क्लोजिंग एरर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करो। तो जो क्लोजिंग लाइन होगी और वो क्लोजिंग एरर के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से सारा टॉपिक लगभग आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया, और हम लोग जो है ना बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और वहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स आप जो ट्रावर्स होते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे।
मतलब वहाँ पे हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रावर्स का एडजस्टमेंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जब आपकी कुछ इरर रहती है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसमें पढ़ाएंगे तो आपका लेक्चर ढाई घंटे का बन जाएगा, इसलिए फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से एक घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो सही रहेगा आपके लिए, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, उसमें क्वेश्चन भी चार पांच करवा देंगे, ज़्यादा इससे पूछा ही नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन पूछा है, उसमें से वेल कंडीशन जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनके बारे में तो पहले से पूछ ही चुका है और वो मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज में आपको एक तो ये मिल जाएगा, एक तो फार्मूला मिलेगा 2n-n वाला मिल जाएगा, ठीक है, 2n-4 इंटरनल एंगल्स एक्सटर्नल एंगल्स, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है वो भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। आज जो रिलेटिव इरर और क्लोजिंग इरर पढ़ा है, इस पर भी आपको SSCJEE में क्वेश्चन पूछा गया है। आप गलत करके नहीं आना, आपको अच्छे से पढ़ लो, क्लास में सब कुछ बताया गया, सारी चीज़ डिफाइन कर दिए, तो ये आपका सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेटिव ध्यान रखना है, बस पेरीमीटर ध्यान रखो, बाकी तो काम हो ही जाएगा। इरर का टर्म आ ही रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में। क्लोजिंग इरर आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड पॉइंट पे जब ना मिले और बीच में कोई आ जाए, मेजर्ड वैल्यू अलग आए, ट्रू वैल्यू कुछ और आए, तो ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग इरर बोलते हैं। ठीक है, चल, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी अगर होती हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपने टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे जो कि आपका पार्ट 3 होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।